बेल आइकन को प्रेस किए होंगे तो नहीं किए होंगे तो गो टू द प्लेलिस्ट या फिर सर्जिंग टूल बार में जाकर के आप सारे लेक्चर्स को फाइंड कर सकते हो ओके okay. चलो तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर फोर लिविंग वर्ड और कैसा रहा पेपर कैसा रहा इस बार का टेस्ट पेपर उसमें फोर क्वेश्चन में करेक्शन है वो मैं अभी आप लोगों को बता दे रहा हूं उसके बाद जिसके जो भी डाउट रहते हैं शेयर मी ठीक है क्वेश्चन नंबर मैं आप लोगों को उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा पर्सनली जैसा भी रहेगा समझ गए पॉइंट कंप्लीट पेपर डिस्कस करने का नीड नहीं है यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं नीड है तो टेक्स्ट में या फिर जिसके जो भी डाउट्स है आप लोग शेयर कर सकते हो इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को एक टास्क दे रहा हूं जो आप लोगों को कंप्लीट करना है बिकॉज आप टोटली मुझ पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे ठीक है क्योंकि जितना खुद से आप वर्क करोगे उतना आप लोगों को वहां पे बेनिफिट मिलेगा समझ गए तो अभी आप लोगों को सबसे पहले तो पेपर का एनालिसिस करना है समझ लो पेपर एनालिसिस कैसे करने वाले हो आप लोग ओके पेपर एनालिसिस जो है वो कुछ इस तरह से होगा कि फर्स्टली आप लोगों को जो भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक उठाना है सभी लोगों के पास है एनसीआरटी साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी में आपको बायोलॉजी का पोर्शन लेना है बायोलॉजी में नंबर लिख लीजिए 91 92 93 94 जो भी है फिर 91 का जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑप्शन ए आ रहा है 92 का डी आ रहा है 93 का सी आ रहा है लेकिन ये 91 का ए किस बेस पर आ रहा है तो यहां पे आपको एनसीआर का जो बुक है उसका आपको पेज नंबर ये लिखना है ये आपका असाइनमेंट है बेटा आज का समझे पेपर डिस्कशन तो मैं ले लूंगा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है पेपर डिस्कशन में बट ये आपका टास्क है क्योंकि आपको एनसीआरटी एनालिसिस करना है समझ में आ गया एनसीआरटी एनालिस सभी के लिए कंपलसरी है क्वेश्चन नंबर और उसका जो भी आंसर आएगा यहां पे आप चाहो तो उसको टेबल फॉर्मेट में बना सकते हो ठीक है यहां पे आप लोग क्वेश्चन नंबर आप लिख लो यहां पे ऑप्शन जो भी आपका आंसर आ रहा है वो और फिर ये एनसीआरटी ये तो एनसीआरटी का पेज नंबर अब जैसे कि पेज नंबर पे हो सकता है कि सेकंड पैराग्राफ है तो सेकंड पैरा सेकंड पे और यदि फिफ्थ लाइन में दिया है तो वो फिफ्थ लाइन ये इसका नाइन्टी वन का ये क्वेश्चन है और उसका आंसर इसी तरह से नाइनटी टू अब नाइन्टी टू में चार ऑप्शंस मिलेंगे आपको यदि तो चार ऑप्शंस में आंसर भले आपका डी आ रहा है लेकिन ये क्वेश्चन कहां कहां से पूछा है क्योंकि मैच द या फिर विच वन ऑफ द दिंग ऑप्शन करेक्ट तो हो सकता है कि कोई एनसीआरटी में कोई भी पेज नंबर जैसे कि यहाँ पे 221 पे दे दिया था अब ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे थ्री सिक्सटी वन पे होगा ये टू फोर्टी वन पे होगा फिर इसका हो सकता है कि फर्स्ट पैराग्राफ है ये थर्ड पैराग्राफ है उसका ये ये फिफ्थ लाइन है इसका ये फर्स्ट लाइन है तो इस तरह से आप लोगों को एनसीआरटी एनालिसिस कंप्लीट बायोलॉजी का ये करना है समझ में आ गया फिर एनसीआरटी के अकॉर्डिंग वहां पे उस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपको सेंड करना है मीन ये इस तरह से एक्सप्लेनेशन आ जाएगा यू गॉट द पॉइंट हेलो यह आप लोगों का टास्क है और आज इवनिंग तक के कंप्लीट करके आप लोगों को जो एक्सचेंज जो है मेरा यूजर आईडी जो है एक्सचेंज अंडर स्कूल टेलीग्राम पे समझ गए ये पोस्ट करना है ओके जितने भी स्टूडेंट पोस्ट करेंगे उसका अटेंडेंस में वहां पे मार्क कर दूंगा कि ये ये स्टूडेंट है इतने स्टूडेंट्स ने ये असाइनमेंट सबमिट किए हैं ठीक है थीके? इसके बाद हो सकता है कि आपको 94 नहीं समझा तो वहां पे बढ़िया से ऐसे डाउट लिख देना और लास्ट में जब ये आप कंप्लीट इसका स्क्रीन शॉट लगे पिक्चर ही सेंड करना पीडीएफ शेयर नहीं करना ये एक या दो पेज में हो जाएगा ठीक तो इसी के साथ साथ नीचे टेक्स्ट में मुझे अपने जो डाउट है डाउट्स वाले जो नंबर है वो टाइप करना कि सर ये क्वेश्चन में डाउट है ये क्वेश्चन में डाउट है ये वाला समझ में नहीं आया इस तरह से आप लोगों को टैक्स में नीचे साइड वो पोस्ट करना है कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे सभी का एक जैसा नहीं होगा ठीक है आप बोलोगे कि नहीं ये तो सारी चीजें जैसे एक जैसे होंगे नहीं कुछ ना कुछ डिफरेंट हो सकता है थोड़ा बहुत लेकिन आप बोलोगे कि ए टू जेड सारी चीजें कॉपी पेस्ट रहे तो ऐसा नहीं होगा समझ गए कितना स्ट्रेंथ है अभी हमारे पास फोर्टी स्टूडेंट का स्ट्रेंथ है ठीक है बाकी लोग अभी जैसे ज्वाइन कर रहे हैं उन लोगों को भी ये पार्ट्स आप लोग बता देंगे ठीक है बेटा हेलो समझ में आ गया क्या है इसके बाद क्वेश्चन आप लोगों लोग तो नोट लोग लोग कर लेंगे जहां पे करेक्शन है वो मैं आप लोगों को ऑलरेडी पहले से ही जो है एक्सप्लेन कर दे रहा हूं नहीं ऐसा नहीं अभी करेक्शन नहीं बताऊंगा मैं करेक्शन तो रिजल्ट में अपडेट करके मैं दे दूंगा मैं ये चाहता हूं कि आप खुद वहां पे जब मेंशन करो तो मेंशन में कॉपी पेस्ट में जो आपको आंसर जो क्वेश्चन पेपर के आंसर की में मिला है वाले आंसर नहीं आपके आंसर मुझे मिलना चाहिए करेक्शन भी अभी नहीं बताऊंगा मैं आप खुद ढूंढू कहां पे करेक्शन है ठीक है हेलो रिस्पॉन्स करेंगे सभी लोग यस और नो में समझ में आ गया मेरा टास्क और असाइनमेंट आपको ही फाइंड करना कहां पे करेक्शन आ रहा है कहां पे नहीं आ रहा है ठीक है सभी लोग एक बार रेस कर दो बेटा जल्दी से इसमें ये वो लोग पकड़ा जाएंगे जिन लोगों का और चैटिंग होस्ट में भेजना है।, हाँ है उसका मैं कह रहा हूं समझ गए हो जाना चाहिए अब देखते कितने स्टूडेंट एग्री नहीं कर रहे इस बात को जिनका रेज नहीं है मीनसोस सो रहे हैं क्लास में रहने के बाद भी हाँ जिसका रेज नहीं होता है वो लोग आप मुझे टेक्स कर सकते हो डोंट वरी होस्ट पे टैक्स करेंगे ओके okay, स्वयं का एंड्रेज नहीं हो रहा है टेक्स्ट में आ गया है बाकी लोग क्वेश्चन पेपर नहीं मिला बेटा जो आप लोगों ने पेपर सॉल्व किए होंगे उसी में आता है ओके सरवरी का भी आ गया है इवनिंग को क्लास है दस बजे तक के टाइम दिया हूं मैंने आप लोगों को ठीक है आज 10 बजे तक के सभी सब का सबमिशन हो जाना चाहिए उसके बाद मैं किसी का भी सबमिशन एक्सेप्ट नहीं करूंगा हैंड रेस करके रखना है नहीं तो आप लोग डायरेक्टली फिर गलत इसमें आ जाओगे समझे समझ रहे हो हेलो तो स्टार्ट करते बेटा आज हम लोग यहाँ पे जो देख रहे हैं क्या चीज द लिविंग वर्ड द लिविंग वर्ड में हम लोगों ने लास्ट क्लास में कुछ कंसेप्ट जो है जो भी हम लोगों का स्टडी हो चुका है उसी में आज का कुछ आगे का भी पोर्शन यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू करेंगे जिसमें सबसे पहले हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो भी पार्ट अभी तक के हम लोग स्टडी किए हैं इन शॉर्ट में तो लास्ट टाइम बेटा हम लोग द लिविंग वर्ड जो हम देख रहे थे जिसमें हम लोग टैक्सोनॉमी जो है और उसका बेसिक प्रोसेस क्या होता है ये समझ रहे थे तो टैक्सोनॉमी का बेसिक प्रोसेस जिसमें हम लोगों ने देखे थे कि सबसे पहले कोई भी न्यू ऑर्गेनिजम जिसको हमको फाइंड करना है तो उसके लिए सबसे पहले उसका कैरेक्टराइजेशन करना होता है फिर बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टर उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे बेस्ड ऑन देयर आइडेंटिफिकेशन उसको हम क्लासिफाई करेंगे और उसी के बेसिस पे हम उसका नोमिन देते हैं नोमेन क्लेचर जो की बायोनोम नोम क्लेचर जो हमें एक नेमिंग सिस्टम जो प्रोवाइड किया है उसके बेसिस पे हम नोम देते हैं नोमचर ऐसा नहीं होता बेटा ये नेम को रजिस्टर्ड कराना होता है तो इंटरनेशनल यूनियन जो कोड फॉर बायोलॉजिकल नोम क्लेचर आईसी जेड एन और आईसी बी एन जो है ये ऑथोरिटी जो है इनके पास है ताकि हम लोग कोई भी रिसर्च कर रहे हैं तो अपने अकॉर्डिंग हम कोई भी वहाँ पे ले हमको देना होता है। कहीं ऐसा तो नहींडी पहले से वहाँ पे दिया हुआ है तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा ठीक है क्योंकि सारा डेटा उन लोगों के पास है हमारे पास नहीं होता है तो इस तरह से जैसे मैंगो है तो मैंगो के भी पहले बहुत सारे नाम सजेस्ट किए होंगे और उसके बाद फाइनली मैंगी फेरा इंडिका जो है ये नेम जो है अप्रूव हुआ और आज हम मैंगो को मैंगी फेरा इंडिका के नाम से जानते हैं जिसमें टू कम्पोनेट्स है एक जेनेरिक होता है और एक होता है ये हम लोगों ने लास्ट टाइम देखे इसे हम लोग हैंड रिटर्न भी कर सकते हैं और प्रिंटेड भी कर सकते है। हैं हैंड में हमको सेपरेटली लिखना है और अंडरलाइन करना है इटैलिक जो होता है जब प्रिंटेड करेंगे तो हम उसे इटैलिक लेटर में हम लिखते हैं तो आईसीबीएन और आईसी जेड एन जो है इनके बेसिस पर हमें नोम क्लेचर जो है ये देना होता है जैसे कि आप मैंगीफेरा इंडिका देख रहे हो, हो लिन आप देख रहे हो लिन आप जो देख रहे हो लिन जो ऑथर का नेम है लास्ट में जिसमें किसी भी टाइप का अंडरलाइन या इटैलिक हमें नहीं देना होता है ये वाला पोर्सन हम लोग लास्ट लेक्चर में स्टडी किए थे ओके <coughs> okay बेटा तो फाइनली इसके बाद हम लोगों ने टेक्सोनो कैटेगरी हमने देखे थे जिसमें इस कैटेगरी का हाईएस्ट पोजीशन जो ऑक्यूपाई करता है वो कहलाता है किंगडम और लोएस्ट जो पोजीशन जो है जिसको रैंक दिया गया है वो होता है स्पेसीज जब बहुत सारी स्पेसीज का जब ग्रुप होता है और इतने सारे स्पेसीज के ग्रुप के कॉमन कैरेक्टर यदि हमें दिखे तो उस कॉमन कैरेक्टर को हमको एक जगह पे प्लेस करना होता है जिसे हम कहते हैं जीनस ऐसे बहुत सारे जीनस आएंगे जिसमें अलग अलग कैरेक्टर वाले जीनस अलग अलग हो जाएंगे लेकिन कुछ जीनस ऐसे होंगे जो कॉमन कैरेक्टर रहेंगे तो बहुत सारे कॉमन कैरेक्टर वाले जो जीनस है उनको हम मर्ज करके एग्रीगेट कर देते हैं जैसे कि फाइव जेनेरा इधर हो गया और फाइव जेनेरा इधर हो गया तो ये फाइव जेनेरा वाले को एक कॉमन फैमिली में हम प्लेस कर देते हैं ये फाइव जेनेरा वाले हो सकता है इसके भी कॉमन है फैमिली तो हम उसको यहाँ प्लेस कर देंगे लेकिन हो सकता है कि इस फाइव जेनेरा वाले रहेंगे तो उसको हम दूसरी फैमिली में प्लेस कर देते हैं तो ग्रुप ऑफ जीनस जब एग्रीगेट होता है तो इससे फॉर्म होता है family, सारी को हम करेंगे, तब एक अकेला किंगडम बनाता है कैसे होता है थोड़ी देर के बाद मैं एग्जाम्पल समझाऊंगा तो आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में क्या समझाना चाह रहा हूं हाँ अभी आप लोग हैंड ओवर कर सकते हो चाहो तो ओके तो इस तरह से हम लोगों ने जो टेक्जोनोमिकरारसी हमने देखे थे असेंडिंग ऑर्डर में तो सबसे पहले लोएस्ट कैटेगरी जो होता है वो स्पेसिज होता है फिर इसके बाद जीनस आएगा फिर फैमिली फिर ऑर्डर फिर क्लास फिर फाइलम और डिवीजन फाइलम यदि एनिमल रहा तो और डिवीजन हम प्लांट के लिए बोलते हैं और हाईएस्ट कैटेगरी जो होता है किंगडम एक हम लोगों ने लास्ट टाइम इसमें एक एग्जांपल देखे थे हम अपना खुद का तो होमोशेपियंस जो है हमारा साइंटिफिक नेम है तो होमो जो हो जाएगा वो जीनस हो जाएगा और सेपियंस जो हो जाएगा वो स्पीज है बहुत सारे जीनस मिलके एक फैमिली बनाते हैं जो में आते हैं हम लोग और हम लोग प्राइमेट्स में आते हैं एक प्राइमेट भी होते बेटा और एक नॉन प्राइमेट भी होते हैं तो नॉन प्राइमेट में मंकी ऐप जो भी आते हैं मतलब सॉरी काउ डॉग ठीक है ये नॉन प्राइमेट है बट हम लोग जो आते हैं वो कौन से ऑर्डर से बिलोंग करते हैं बेटा हम लोग ऑर्डर प्राइमेटा से बिलोंग करते हैं फिर इसके बाद देखिए डॉग भी मैमल्स है और हम लोग भी मैमल्स है तो दोनों को हमने एक क्लास में प्लेस कर दिए जो कहलाता है क्लास और हम लोग हम लोग बेटा एक एक वर्टिब्रेट है कॉर्डेट में आते हैं तो जिसका डिवीजन जो आ आ जाएगा जाएगा वो कॉर्डेटा और फाइनली जो किंगडम जो रहेगा वो एनिमल किंगडम रहेगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जब हम स्टडी करेंगे तो ये किंगडम क्या होता है ये हम और भी अच्छी तरह से जानेंगे ठीक है एक तो एरिस्टोटल आए थे सबसे पहले जिसमें उन्होंने जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उस लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ये कहा था कि सिर्फ दो टाइप के ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें से एक होता है प्लांट और दूसरा होता है एनिमल तो इस तरह से यहाँ पे उन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया जिसमें एक साइड प्लांट आ गया है और दूसरे साइड एनिमल आ गया है तो इस तरह से यहाँ पे एक एनिमल किंगडम होता है लेकिन फाइनली आर एच विटेकर जो है ये जब आए तो इन्होंने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया बट इसके बीच में टू के बाद थ्री और फोर किंगडम क्लासिफिकेशन ये भी मैं आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूं समझ गया बेटा तो ये सारी चीजें हम लोग यहां पर देखने वाले हैं और एक एक पार्ट का हम लोग यहाँ पर क्या है स्टडी करेंगे तो इस तरह से मैंने आप लोगों को एक टास्क और एक असाइनमेंट दिया था आपको याद होगा जिसमें हम लोगों ने कॉमन नेम जेनेरिक नेम और साथ ही साथ जो स्पीसीज का नेम होता है ये पढ़ने के लिए कहा था उम्मीद करता हूं सभी लोग पढ़ के आ गए होंगे और सभी लोगों को याद हो गया होगा ठीक है तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्पीसीज के बारे में स्टडी कर रहे हैं स्पीसीज मतलब क्या हो गया बेटा एक लोअर मोस्ट कैटेगरी जैसे जिसको हम जिस नाम से जानते हैं जैसे कि पोटेटो को हम पोटेटो के नाम से जानते हैं टोमेटो को हम टोमेटो के नाम से जानते हैं ब्रिंजल हो गया या फिर मैंगो हो गया तो जो लोएस्ट कैटेगरी जो हो गया जैसे टाइगर हो गया लॉयन हो गया जो भी है तो कैटेगरी जो होती है वो क्या कहलाती है बेटा स्पीसीज कहलाती है मींस जब ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स जब एक जगह पे रहते हैं जो इंटरब्रीड भी कर सकते हैं बेटा समझे और अपना एक फर्टाइल ऑफरिंग प्रोड्यूस यूज कर सकते हैं तो वो किस में आता है स्पीज में आता है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंगो मैंगो का जेनेरिक नेम तो मैंगी फेरा हो गया बट स्पेज नेम जो है ये क्या हो जाएगा इंडिका इंडिका मीन्स इंडिया में ओरिजिनेट हुआ है स्वीट नेचर का होता है इसलिए इसका नाम मैंगीफेरा इंडिका दे दिया समझ गए इसी के साथ साथ पोटेटो की हम बात करें तो पोटेटो जो है सोलिनम इसका जीनस है ट्यूबेरोसम इसका स्पसीज आ जाएगा और इसी तरह से मैंने ये सारा पोर्शन टोमेटो ब्रिंजल और ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को याद करने के लिए कहा था ये पेंथेरा यहाँ पे थोड़ा स्पेस आ गया है बीच में यहाँ पे स्पेलिंग में करेक्शन आया था लास्ट टाइम तो मैंने ये करेक्ट कर दिया हूं यदि आपने स्क्रीन लिए होंगे और गलत यदि पढ़ लिए होंगे तो सोलेटियम हो गया था सोलेटियम नहीं होता बेटा सोलेनम होता है याद रखना ठीक है लॉयन का लियो होता है टाइग्रिस पार्डस और सेपियंस ठीक है मेलोगीना ये सारी चीजें आप लोगों को याद करनी है समझ में आ गया और ये याद हो गया है तो अच्छी बात है नहीं हुआ है तो आज मैं फिर से आप लोगों को टाइम दे रहा हूं क्योंकि नेक्स्ट क्लास में बेटा आप लोगों से ये साइंटिफिक नेम विद द हेल्प ऑफ वॉइस वीडियो कैमरा ऑन करवा के मैं आप लोगों से पूछूंगा समझ में आ गया ये सारा पार्ट आप लोगों को याद हो जाना चाहिए ठीक है तो अब थोड़े से हम लोग यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो हम देख लेते हैं ये तो स्पेसीज है स्पेसीज के साथ हम लोग यहाँ पे कैसे कैसे ग्रुपिंग हम करेंगे और कैसे कैसे यहाँ पे फाइनली फॉर्मेशन होगा वो सारी चीजों को हम लोग समझ लेते हैं ठीक है मींस यहाँ पे अभी हम लोग क्या देखेंगे बेटा जो भी कैटेगराइज जो किया हुआ है ठीक है क्लासिफिकेशन सिस्टम जो दिया हुआ है उस पार्ट को हम समझेंगे कैसे आता है सबसे पहले हम हम लोग एक एक साइड प्लांट को लेके स्टडी कर लेते हैं और एक साइड हम लोग एनिमल को लेके स्टडी करते हैं तो सबसे पहले बेटा प्लांट वाला जो पोर्शन है वो हम देख लेते हैं तो प्लांट की यदि हम बात करें तो प्लांट में हमने देखे कि जो लोअर मोस्ट कैटेगरी जो होती है वो क्या होती है स्पीसीज होती है तो स्पेसीज में आपको दो से तीन स्पेसीज आपको यहां पे सजेस्ट करूंगा जो आप लोग यहां पे याद रखेंगे जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक पोटेटो हो गया ओके पोटेटो के साथ ही साथ एक मकोई एक होता है मकोई के साथ ही साथ यहां पे ब्रिंजल ये होता है बट ये तो हम जनरल नेम जो हम लोग जानते हैं ये हो गया बट इसका स्पेसिस नेम जो है ये क्या होगा ये हम लोगों को मालूम होना चाहिए तो पोटेटो को हम लोग सिर्फ पोटेटो नहीं कहेंगे हम क्या कहते बेटा हम ट्यूबेर क्या कहते हैं सोलेनम ट्यूबेरसम सोलेनम मीन जेनेरिक नेम है कभी भी हम इसका नेम देंगे और साइंटिफिक नेम तो हम सिंपल ट्यूबेरोसम नहीं कहेंगे सोलेनम ट्यूबेरोसम कहते हैं ऐसी यदि हम मकोई की हम बात करें तो मकोई जो होता है सोलेनम नाइग्राम आता है तो सोलेनम का मैं यहां पे एस बना रहा हूं ठीक है याद रखेंगे सोलेनम क्या आ बेटा नाइग्रम अब एक गलती हो गई मेरे से यहां पर जानते हो क्या गलती हो गई चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से कोई गलती हुई क्या मेरे से यहां पर दिख रही है किसी को कुछ कोई मिस्टेक्स हेलो बताइए क्या मिस्टेक हुआ ओके बेटा देखिए अंडरलाइन अभी हम यहां पे नहीं समझेंगे यहां पे समझेंगे कि ट्यूबरोसम का टी जो है ये कैपिटल हो गया वेरी गुड हर्षिता ने इसको कैप्चर किया बेटा वेरी गुड तो ट्यूबरसम का टी जो है यहां पे क्या आएगा स्मॉल लेटर में आएगा बिकॉज ये स्पेशज नेम हम देख रहे हैं ये चीज आप लोगों को याद रखनी है समझ गए और फिर लास्ट में थर्ड आता है सोलेनम अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको ब्रिंजल का क्या होता है मेलोनजीना सोले नाम ये आता है समझ गए हेलो ये पढ़े होंगे आप लोगों ने एनसीआरटी में तो आपको याद होगा और नहीं भी पढ़े होंगे तो एक काम कीजिए नोटबुक उठाइए पेन लीजिए और मेरे साथ साथ इसको बार बार लिखते जाइए आपको अभी के अभी सारी चीजें याद हो जाएगी बेटा गारंटी है मेरी लेकिन इसको आप ऑनलाइन क्लास की तरह पढ़ोगे और यदि आप बेड बैट पे बैठे होंगे ओढ़ के बैठे होंगे और पढ़ रहे होंगे तो बेटा बेकार है आपकी ये स्टडी फिर एक काम करो जूम को एग्जिट करो और सो जाओ कोई मतलब नहीं है यदि सही में पढ़ना है सही में समझना है तो पहली चीज क्या होती है बेटा हमारे यहां से परमिशन होती है कि क्या मुझे पढ़ना है आंसर यहां से यस आता है यहां से नो आता है यदि यहां से और इधर से आवाज जो निकलती है ना यस मुझे सही में पढ़ना है तो आप सही में पढ़ोगे

तो वो चीज बेटा आपको समझा के देंगे क्योंकि आप खुद से उस चीज के लिए एक्टिव हो जहां नहीं समझा पूछ रहे हो मुझसे ठीक है तो एज इट इज यहां पर भी ऐसे ही आपको करना है तो अभी आप नोटबुक का पेन लेके बैठिए और इन वर्ड को बार बार लिखते जाइए और पढ़ते जाइए आपको आसानी से सारी चीजें याद हो जाएगी तो हम लोगों ने यहाँ पर देखिए बेटा स्पेसीज देखे और स्पीसीज हमने क्लोजली रिलेटेड हम लोगों ने अभी देखे तो ये क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज जिसमें कुछ कुछ बेटा सिमिलर होंगे इसलिए हम इसके नेम के आगे सोलेनम हम लिख रहे हैं समझे तो सोलेनम मींस यहां पे आप ये जो स्पीसीज जो देखे तो ये तीनों भी स्पेसीज जो है इसमें कुछ कॉमन कैरेक्टर होंगे मकोई की आप बात कर लो पोटेटो की बात कर लो ब्रिंजल की बात कर लो तो इन तीनों में कुछ ना कुछ तो कॉमन कैरेक्टर रहा होगा समझ गए तो तीनों में कुछ ना कुछ कॉमन कैरेक्टर जो यहां पर प्रेजेंट है इसको हम कॉमनली एक स्पेशल टाइप के जेनरम में हम प्लेस करेंगे जिसे हम जीनस कहते हैं जेनेरिक नेम और यहां पे इसका जो जीनस है वो क्या है बताओ अभी मैंने समझाया सोलेनम जो है ये इसका क्या हो गया बेटा जीनस हो गया हेलो ये आएगा सोलेनम जो है ये क्या हो गया इसका जीनस है लेकिन क्या ये अकेला यही जीनस होता होगा क्या नहीं इससे रिलेटेड और कुछ जीनस जो सोलिडम के पास में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को ठीक है रखते होंगे ऐसे भी हम लोग जीनस देख लेते हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक पैक्टूनिया करके एक जीनस आता है ये सोलडियम का बहुत क्लोजली रिलेटेड है ठीक है साथ ही साथ एक धतूरा जो है धतूरा भी होता है तो धतुरा भी जो है बेटा ये क्या चीज सोलेनम के बहुत क्लोजली है समझ रहे हो तो ये क्या हो गया बेटा जीनस हो गया तो हमने यहां पे जब पोटेटो मक्जल को समझे तो हमने इसके साइंटिफिक नेम को जब देखे तो हमने इसका एक कॉमन हम इसको कॉमन ग्रुप में जब प्लेस करेंगे तो किस में प्लेस कर सकते हैं तो हमने इसको प्लेस कर दिया कहां पे सोलेनम में लेकिन सोलेनम के साथ पेटूनिया और धतूरा भी तो होता है हेलो पेटूनिया और धतुरा भी तो यहां पे होता है जिसमें हम लोगों को यहाँ पे ठीक है क्या कह सकते हैं बेटा ऑर्गेनिजम्स को प्लेस करना है ठीक है क्लियर हुआ बेटा पार्ट चैट में चलो किसी के डाउट नहीं है आगे बढ़ते हैं अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे आएंगे नेक्स्ट पार्ट मींस जीनस के ऊपर क्या आता बताओ सौरभ गांगुली ट्रिक बताया मैंने सौरभ गांगुली क्या था आगे हेलो सौरभ गांगुली आगे फैमिली वेरी गुड तो जीनस के बाद नेक्स्ट हम लोगों को यहां पे किसका स्टडी करना है फैमिली का तो बेटा ये जो सोलेन पोटी पोटेटो किस फैमिली से बिलोंग करता है ये हम लोगों को देखना पड़ेगा तो अब देखिए बेटा जो फैमिली से बिलोंग करेगा जिस भी फैमिली से बिलोंग करेगा उस फैमिली को हम इसी नाम के आगे हम सीई ए लास्ट में एंड में ठीक है सफिक्स के फॉर्म में एड करते जैसे सोलेन फैमिली कहते हैं क्या कहते हैं बेटा सोलेनेसी फैमिली तो यहां पे क्या जाएगा सोलेनेसी ये फैमिली होगी तो सोलेनेसी फैमिली अकेली नहीं होती है इसके साथ साथ कुछ और भी फैमिली होती है जिसे कन्वोलुएसी फैमिली भी एक आती है यहां पे लिख देता हूं मैं ताकि आपको चीज समझ में आए ठीक है कौन सा देख रहे हैं हम लोग हम लोग अभी यहां पे जो पार्ट समझ रहे हैं हेलो समझ में आ रहा है ना क्या समझा रहा हूं मैं आप लोगों को क्लियर है सारी चीजें रिस्पॉन्स करो जल्दी से हाँ क्या देख रहे हैं अभी हम सोलेनेसी लेकिन सोलेनेसी के साथ ही साथ अगेन एक और फैमिली होती है कन्वोल वूलेसी ये एक फैमिली होती है कन्वोल वेसी ठीक है समझ में आ गया ये ये भी एक फैमिली होती है अब दोनों जो हैं इनके सिमिलर फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं तो, जब हो सकते, तो उसको हम एक स्पेशल टाइप के सिमिलर क्लोजली ऑर्डर में हम रखेंगे मैं थोड़ी देर के बाद जब आपको स्लाइड से समझाऊंगा तो वो और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा बट आप इस पार्ट को अभी इस वे में समझो जिस वे में मैं आपको समझा रहा हूं और नोट करते चलो ठीक है सारी चीजों को नोट करते चलो सारा पार्ट आपका बहुत अच्छी तरह से क्लियर भी हो जाएगा ठीक स्पीसीज हो गया जीनस हो गया फैमिली हो गई स्पीसीज में पोटेटो मक्को और ब्रिंजल जिसका हमने साइंटिफिक नेम देखे सोलेनम ट्यूबेरोसम सोले सोलेनम नाइग्राम सोलिनम जीना फिर ये कॉमन जीनस इसका सोलिनम आ गया बट पेटोनिया और धतुरा ये भी तो सेम टाइप के जीनस है क्लोजली अब ये तीनों का यदि हम एक कॉमन एक फैमिली देखे तो ये तीनों मिला के कॉमन फैमिली सोलेनेसी से बिलोंग करते तीनों भी एक नहीं सोलेनेसी तो के साथ साथ एक और फैमिली होती है जिसे कनवल फैमिली कहते हैं तो इन दोनों के जब सिमिलर फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे तो इसको हम एक कहां पे एक और जगह पे प्लेस करेंगे जिसे क्या कहते हैं ऑर्डर क्योंकि ग्रुप ऑफ फैमिली बहुत सारी फैमिली मिलकर एक सिंगल एक ऑर्डर बनाता है और उसका एक सिंगल ऑर्डर यदि हम देखें तो जिससे कहते हैं क्या कहेंगे polymonials. तो पॉलीमोनियल्स जो हो गया ये दोनों के कॉमन फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स है इसलिए इसको यहां पे रखे लेकिन देखो मैंगो की फैमिली हम देखें तो मैंगो के लिए सेपेंडेल्स होता है मैंगो इससे बहुत दूर हो गया आप खुद देखो बेटा मैंगो तो कहाँ हो ऊपर इस तरह से पेड़ पे ऊपर साइड लग रहा है पोटेटो या फिर ब्रिंजल जो है छोटे छोटे होते हैं देखे ना कभी आपने देखे कि ब्रिंजल का प्लांट एकदम मैंगो के समान इतना बड़ा हो गया है ऐसा होता है क्या नहीं होता है तो पोटेटो भी छोटा है और ब्रिंजल भी छोटा है प्लांट अब आप बोल रहे नहीं सर ऐसा थोड़ी होता है पोटेटो तो अंदर साइड लग रहा है ब्रिंजल तो बाहर साइड लग रहा है वो एक अलग कैरेक्टर हो गया लेकिन फिर भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स उसके कॉमन है इसलिए उसको हमने सोलेनम में रखे बट धतुरा उसमें कांटे आते हैं सोलेनमें कांटे नहीं होते ठीक है तो इस तरह से हमने उनको अलग अलग कर लिए लेकिन दोनों भी सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं क्योंकि कुछ लिएक्टर सिमिलर थे इसलिए हमने उसको सोलेनेसी में रख लिए लेकिन सोलेनेसी के अलावा कनबोलीसी फैमिली भी होती है तो उन दोनों को मिला के जो सिमिलर फ्लोर कैरेक्टर्स थे उसको हमने पोलीमोनिय में रख लिया लेकिन सेपिन भी तो एक यहां पे ऑर्डर आता है क्या चीज सेपेंडल्स सेपेंडल्स किसका है ये ये मैंगो का हो गया समझे तो अब जब ये मैंगो का हो गया तो पॉलिमोनियल्स और सेपेंडेल्स दोनों भी जो है ये क्या हो गया बेटा अलग अलग कैरेक्टर है दोनों भी अलग हो गए लेकिन दोनों के कॉमन क्या है दोनों भी बेटा इनके जो सीड होते हैं वो दो कोटे वाले होते हैं तो इसमें इसकी जो कॉमन क्लास जब आएगी और क्लास को जब हम लोग देखेंगे तो क्लास में क्या होगा डायकोट नहीं हो जाएगा लेकिन सिर्फ डायकोड अकेले ही होता है क्या नहीं डायकोट के साथ साथ आपने पढ़े होंगे कि मोनोकॉट भी तो यहां पे होता है मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं बेटा ठीक है मोनोकॉट जगह नहीं है इसलिए तो डायकॉट भी होता है और मोनोकॉट भी होता है तो ये क्लास है लेकिन इसका डिवीजन भी तो आएगा तो डिवीजन क्या है बताओ डायकोट और जिमन जिम्नोस्पर्म में आते हैं क्या बताओ हेलो नहीं ये दोनों भी जो क्लास है इससे सेम बिलोंग करने वाले जो प्लांट है वो एंजियोस्पर्म में आते हैं और एंजियोस्पर्म क्या है बेटा ये किंगडम इसका क्या आएगा सिर्फ एंजियोस्पर्म ही अकेला है क्या एंजियो के बाद फिर जिम्नोस्पम भी आता है ब्रायोफाइटा भी आता है टेरिडोफाइटा भी आता है तो ये सारे डिवीजन मिला के कॉमन अभी यहां जगह नहीं है मेरे पास अब आप समझ जाओ क्या होगा एनसीआरटी में बेटा थ्योरी दे दिया ऐसा पढ़ते जाओगे तब भी नहीं समझ पाओगे आप और ये मैंने जो फ्लो डायग्राम आपको जो दिया हो ना एक ऐसा गुरु मंत्र है आपके लिए कि अब आप कहीं पे भी जाओगे आपको चीजें आपके कंसेप्ट क्लियरिटी बहुत अच्छे से रहेगी क्या समझाया हूं मैंने किंगडम प्लांटी आ गया समझ गए किसी का एक मैसेज आया था मैं देख लेता हूं पहले क्या बोला था इसने मैसेज बहुत ऊपर चला गया है किंगडम एंड स्पेसिज में कॉमन चीज नहीं होंगी बेटा डिफरेंस ज्यादा रहेगा किंगडम और स्पीसीज में कॉमन मतलब देखो किंगडम और हम देखे तो प्लांट सिर्फ हम ये कह सकते हैं बस ये एक कॉमन है बट डिफरेंस बहुत ज्यादा रहेगा क्योंकि किंगडम से स्पीसीज तक के आ रहे थे इसके बीच का हम लोग यहां पे बहुत सारे टाइप्स देख रहे हैं बेटा ठीक है इसलिए खुशी उसमें बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे चलो समझ में आ गया होगा आपको तो आगे बढ़ते हैं तो इस तरह से हम लोगों ने प्लांट को लेके समझे ठीक है ये स्केल शॉट ले लिया सभी ने आगे बढ़े क्योंकि ये पार्ट में हटा कर ये याद कर लो बेटा भी अच्छी तरह से क्योंकि इसके बाद हम लोग एनिमल वाला पोर्शन भी देखने वाले ये तो प्लांट का हो गया ना अब जगह नहीं है तो एनिमल वाला पार्ट भी देखना है हमें एनिमल वाले काम करते हैं स्लाइड में बता दू या बोर्ड पे बताऊ राइटिंग टूल ले लू मैं राइटिंग टूल डिजिटल पेन से बताऊं या बोर्ड पे बताऊं चलो बोर्ड ही आ रहा है कुछ लोग स्लाइड बोल रहे हैं क्योंकि बोर्ड पे मैं बताऊंगा तो ये वाला हटाना पड़ेगा जब मैं स्लाइड लगाऊंगा तो फिर हम दोनों को हम नहीं देख पाएंगे इसलिए मैं कह रहा था कि एक राइटिंग में हमारे पास हो जाएगा और एक हमारे पास बोर्ड पे हो जाएगा फिर स्लाइड पे आएंगे हम तो दोनों को कनेक्ट करके हम देख पाएंगे क्योंकि तो स्लाइड में पिक्चर्स वगैरह बहुत सारी चलो ग्रेट बट मुझे स्लाइड ओपन करना पड़े मतलब राइटिंग ओपन करना पड़ेगा जस्ट वेट किधर गया ओके okay, ग्रेट चलो देखिए बेटा दिखाई दे रहा है बेटा स्क्रीन शॉट ले लिए होंगे आपने स्वयं नहीं ले पाए थोड़ी देर के बाद चांस दे रहा हूं मैं के लिए। दिखाई दे रहा है ना आपको अभी ग्रेट तो अभी देखिए यहां पे हम लोग एज इट इज सिमिलर सबसे पहले हम लोग वही वाला जो पोर्शन जो थोड़ी देर पहले जो हम स्टडी कर रहे थे वो हम देखेंगे मीन्स सबसे पहले यहां पे इतने में तो आएगा नहीं एक काम करते ऐसा ले लेते ठीक है तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा सबसे पहले हम लोग स्पीसीज समझेंगे स्पीसीज का एस अभी आपको समझ में आ जाएगा क्या चीज में यहां पे समझाना चाह रहा हूं तो अब यहां पे स्पीशीज में हम लोग तो लॉयन टाइगर और लेपॉड लॉयन, उसके बाद टाइगर और थर्ड क्या आ जाएगा लेपॉड तीनों को हम समझेंगे ओके समझे तो अभी यहां पे थ्री अलग अलग हम लोगों के पास क्या चीज़ बेटा अलग डिफरेंट हम लोगों के पास स्पेसीज़ है देखो कहां पहुंचे हम लोग यहां पर तो अब देखिए हम लोग लॉयन टाइगर और लेपर्ड इसमें हमें मालूम है लॉयन को क्या कह कहते हैं लियो टाइगर को टाइगरिस और लेपर्ड को पार्डस याद रखना बेटा पूछूंगा आपसे क्या चीज़ लियो टाइगरिस और पार्डस ओके साइंटिफिक नेम लिख लेते हैं हम लोग सभी के क्योंकि वो भी हमारे लिए बहुत जरूरी है ओके चलो बताइए लॉयन का क्या था लियो वेरी गुड टाइगर का क्या बताया था मैंने रिस्पॉन्स करेंगे ग्रेट टाइगरीस ऐसे ही था स्पेलिंग सही है हेलो या टाइगरीज है टाइगरीज है या टाइगरीज है यार कुछ लोग यस बोल रहे हैं कुछ लोग नो बोल रहे हैं टाइगरीज है, टाइग है बेटा, टाइग यहां पे गिरीज नहीं आएगा ग्रीस है मींस यहां पे ऐसा आएगा टी आई आए जी आर आई एस ऐसा है ये स्पेलिंग गलत है यही तो पूछना चाह रहा हूं मैं आपसे और लेपर्ड का क्या है लेपर्ड का याद नहीं हुआ पार्डस पी ए आर डी यू एस बताया था मैंने पी ए आर डी यू एस भूल गए ये देखो स्लाइड में फिर से यही तो याद करने के लिए कहा था मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम देखिए लियो टाइग्रेस और पार्डस तीनों का कॉमन जीनस है क्या आ रहा कॉमन बताओ पैंथेरा कॉमन आ रहा है क्या है पैनथेरा स्लाइड शेयर किया उन्होंने मैंने हाँ तीनों का यदि हम कॉमन जीनस देखे तो कॉमन जीनस जो है वो क्या आ रहा है बेटा वो आ रहा है पैंथेरा ओके तो यहां पे हम लोग इसका जेनेरिक नेम देखेंगे तो जेनेरिक नेम में क्या हो जाएगा ये हो गया पैंथेरा तो मुझे ये बताइए बेटा कि यदि हम यहां पर जो भी पार्ट हम देख रहे हैं तो लॉयन भी पैंथेरा में आ गया ठीक है लॉयन के साथ ही साथ टाइगर भी पैंथेरा में आ गया टाइगर के साथ ही साथ यहां पे लेपर्ड जो है ये भी पैंथेरा में आ गया तो तीनों का ये जो हो गया ये कॉमन जीनस हो गया ठीक है लेकिन क्या यही अकेला एक जीनस होगा क्या नहीं पैंथेरा के साथ ही साथ फेलिस जो है ये भी एक जीनस होता है ठीक है क्या चीज पैंथेरा के साथ यदि हम देखें तो अगेन यहां पे एक और जीनस होता है जो आता है फेलिस। तो पहले तो हम लोग जीनस समझेंगे और जीनस के बाद फिर हम लोग कहां पहुंचेंगे बेटा उसकी फैमिली में ठीक है तो फैमिली में फिर फेलेडी आती है जो दोनों को कॉमनली वहां पे देखता है तो अब देखो पैंथेरा तो ये हमें समझ में आ गया कि क्या चीज है लेकिन फेलिस जो होता है ठीक है मैं पहले नोट कर देता हूं पॉइंट कलर चेंज कर लेते हैं फेलिस मींस आपने देखे होंगे आपने ये बताओ शेर की मोसी कौन हेलो टाइगर की मौसी कौन होती है पढ़े हो नाम सुने हो बोलते कहां बता हेलो, जंगली बिल्ली ठीक है तो फैलिस जो है ये जो कैट होती है उससे बिलोंग करता है तो देखो पैंथेरा मतलब जितने भी टाइगर है वो हो गए बट उससे रिलेटेड हम एकदम से कहीं और नहीं जा रहे बहुत दूर ठीक है हम लोग उससे रिलेटेड उसके क्लोजली हम लोग जा रहे हैं तो अब पैंथेरा हमें पता चल गया कि टाइगर लेपर्ड और जो है पिक्चर्स में भी दिखाऊंगा थोड़ी देर के बाद ये क्लियर हो जाएगा लेकिन उसी से हमने एक रिलेटेड एक और जेनरल हमने देखे ये तो यहाँ पे तो हम और कोई जेनरल भी ले सकते थे ना बेटा हम यहाँ पे स्नेक का फैमिली भी ले सकते थे या जीनस ले सकते थे या फिर हम लोग ऐसा हो सकता था कि इंसेक का भी हम कोई ना कोई एक जीनस ले सकते थे बट ऐसा ले रहे क्या नहीं हम क्लोजली रिलेटेड जो है उसको हम समझ रहे हैं बट वो भी होते हैं बट हम यहाँ पे क्या समझना चाह रहे हैं कि जब ये जीनस जब आपस में इसकी ग्रुपिंग होंगी तो क्या होगा सौरभ गांगुली और इसके बाद फिर क्या आएगा इसका यहां पर फैमिली आएंगी तो पैंथेरा और फैलिस दोनों का जो कॉमन फैमिली है वो क्या आएगा फेलिडी दोनों का भी जो कॉमन फैमिली है यहां पे यदि हम देखें तो क्या हो जाएगा बेटा फैलिडी अब मुझे बताओ कि ये तो हमने टाइगर और कैट का हमने रिलेशन देखे बट टाइगर और कैट के अलावा उसी से रिलेटेड एक और हम फैमिली देखेंगे जो होती है किसकी डॉग की तो डॉग के लिए क्या होगा बेटा कैनेडी आ जाता है क्या हो जाएगा यहां पे कैनेडी तो कैनेडी जो हो गया है किसका हो गया डॉग का फैमिली हो गया डॉग हो गया जैकल्स आपने देखे होंगे जैकल्स भी उसमें आ जाते हैं ठीक है ठीके? और डॉग में बहुत सारे आते हैं बुल डॉग आते हैं लेब्रा आता है ठीक है जापानीज आता है जर्मन सेपल्स आते हैं तो अब हम उतने उसमें हाँ फॉक्स भी इसी में आता है वेरी गुड रैली ठीक ओबीसी में आता है तो ये सारे के सारे किसमें आ जाएंगे बेटा ये सारे के सारे किसमें कैनेडी में आ जाएंगे बट अभी हम लोग क्या कर रहे हैं फैमिली हम जो, जो देख रहे हैं वो हम कौन सा देख रहे हैं अभी हम टाइगर वाला देख रहे हैं कैट वाला देख रहे हैं तो हम उसी से रिलेटेड हम आगे का पार्ट इससे रिलेटेड हम देखेंगे बट अभी हम देखो इन दोनों का भी तो यहां पे कॉमन कुछ ना कुछ होगा ओके मींस अभी हम लोग यहां पे ये जो फेलिडी हमने जो देखे ये फेलेडी में कौन कौन से आ रहे हैं फेलेडी किसकी फैमिली है ये ये फेलेडी पैंथेरा का भी फैमिली है और यही फेलिडी जो, जो है उसका भी कॉमन फैमिली आता है ये अलग नहीं है बेटा ये फैलिस की फैमिली भी हम देखेंगे तो फैलेडी ही है कैनेडी और फैलेडी दोनों को मिला के यहां पर हम लोग क्या फॉर्म करेंगे बताओ अभी इन दोनों का कॉमन क्या आएगा ऑर्डर आ जाएगा दोनों का कॉमन क्या हो जाएगा यहां पे ऑर्डर तो ऑर्डर जो है वो किस किस का आ रहा है फैलिडी का भी आ रहा है और कैनेडी का भी आ रहा है तो दोनों का कॉमन ऑर्डर यदि हम उसको प्लेस करें तो यहां पे कॉमन ऑर्डर जो है क्या है कॉर्नी वोरा जिसमें कैट भी आते हैं और डॉग भी आते हैं तो ये कॉर्नी जो है ये क्या हो गया बेटा ये हो गया एक ऑर्डर समझ में आ गया तो ये ऑर्डर किसमें आ गया फेलेडी का भी हो गया और कैनेडी का भी हो गया लेकिन मुझे बताओ कॉर्नी जो है ये अकेला ही तो नहीं होता ठीक है कॉर्नी में कैट और डॉग आते हैं तो हम लोग किसमें आते हैं मैन और मंगी किसमें आते हैं वो आता है प्राइमेटा में प्राइमाटा तो इसमें तो आ रहे हैं कॉर्नी में कैट इसमें आ रहा है डॉग ठीक है प्राइमेटा में क्या होगा बेटा इसमें आएगा मंकी इसमें आएगा मैन तो गाय भैंस ये किसमें आएंगी? बताओ वो आता है नॉन प्राइमेटा में जैसे काउ कैटल्स जो है ठीक है वेरी गुड हाँ ओमनी भी होता है ऐसे अलग अलग टाइप्स आ जाएंगे उसमें फिर तो ये क्या हो गया बेटा हमारा ऑर्डर हो गया अब ऑर्डर थोड़ा नीचे लिखा गया है इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं हम लोग ठीक है यहां पे प्लेस कर देते हैं ठीक है इसमें यही फायदा है बेटा इसलिए हमने ये वाला टूल जो है ये यूज किया इसको भी थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं यहां पर ओके चलो आगे बढ़े अभी अब हमारे पास थोड़ा सा स्पेस कम आ रहा है तो एक काम करते हैं हम लोग यहां पर एक स्पेस बना लेते हैं इस तरह से क्योंकि उसमें स्पेस नहीं आ रहा था हमारे पास यहां पर स्पेस आ जाएगा अब देखो इतना बड़ा हो गया यहां पर बन गया स्पेस ठीक है और उसी के साथ साथ हम इसको भी क्या करेंगे थोड़ा सा खींच के बड़ा कर देंगे ये ऐसा इसलिए मैंने कहा था कि ये वाला टूल हम यूज कर लेते हैं तो इसमें हमें बेनिफिट मिल जाएगा तो ये हो गया हमारा देखो हमने क्या देखे हमने सबसे पहले स्पीसीज देखे जिसमें लॉयन टाइगर और लेपर्ड देखे फिर इसके बाद हम लोगों ने इसका जीनस देखे जीनस को थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं जिसमें पैंथेरा फैलिस आया फिर उसका फैमिली हमने देखे फेलेडी और कैनेडी फिर हमने ऑर्डर देखे जिसमें कॉर्निवोरा और प्राइमेटा आता है फिर क्या आएगा बताओ बेटा ऑर्डर के बाद ऑर्डर के बाद आता है क्लास तो क्लास में कौन सा होगा बताओ ये सारे किस क्लास से बिलोंग करेंगे सारे के सारे जो जिस क्लास से बिलोंग करेंगे उसे क्या कहेंगे हम लोग बताओ कॉर्निवोरा का हम यदि देखे और प्राइमेटा का हम देखें तो क्लास क्या होंगी दोनों भी मेमल्स है या नहीं है प्राइमेटा भी मेम्बल्स में आता है उसी के साथ साथ कॉर्निवरा भी मेम्बल्स में आता है आता या नहीं आता तो ये इसकी जो हो जाएगी ये क्या हो जाएगी क्लास मेमलिया ठीक है मेमलिया है मेमल गलत लिख दिया मैंने क्या आएगा यहां पर मेमलिया आएगा ओके किधर गया ये हो गया मेमलियर समझ में आ रहा ना बेटा सभी लोगों को हेलो सारे पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं एकदम इजी है बेटा है, ये बहुत मजा आएगा अभी थोड़ी देर बाद जब हम थ्योरी देखेंगे ना तो एनसीईआरटी का एक एक लाइन आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा यही बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अब मैक्सिमम स्टूडेंट को बेटा यहीं पे प्रॉब्लम आती है लेकिन इसलिए मैंने आपको इस प्रॉब्लम से सॉल्व होने के लिए आपके लिए ये इस तरह से लेक्चर डिजाइन किया हूं ताकि समझ में अच्छे से आ जाए क्योंकि एक्चुअल जो सिस्टम है जिस वे से समझना चाहिए उस वे से हम समझेंगे ना तो आपको रियल में बहुत बेनिफिट मिलेगा और आप कहीं पे भी चले जाओ इससे बेस्ट आपको कहीं नहीं मिलने आया गारंटी दे रहा हूं मैं ठीक है चलो अब मेमेलिया हो गया तो बेटा अब मुझे बताओ क्या अकेला एक क्लास मेमेलिया ही होता है क्या नहीं एफ्स भी होता है जिसमें सारे बर्ड्स आते हैं रेप्टिलिया भी होता है रेप्टाइल्स आते हैं जिसमें रेप्टिलिया और क्या होता बताओ एम्फीबिया भी होता है क्लास पढ़े होंगे आप लोगों ने जिसमें सारे एम्फीबियंस आते हैं तो इतने सारे आपस में ये सारे के सारी क्लासेस मिलकर के अब क्या बनाने वाले बताओ पाइसेस है ना वेरी गुड ये सारे के सारे जो है हमारे किस में आते बेटा हम फाइलम कहेंगे अभी क्या कहेंगे हम लोग फाइलम तो ये सारे के सारे एक सिंगल फाइलम में आते हैं जिसे हम क्या कहेंगे बेटा कॉर्डेटा कॉर्डेट्स हम कहेंगे

प्लांट के लिए हमने फाइलम को क्या कहा था डिवीजन कहते तो कॉर्डेट्स भी होते हैं कॉर्डेट के बाद फिर हेमी भी होता है हेमी के बाद फिर और क्या होता है प्लैटियल भी होता है प्लैटियल के साथ आपने पढ़े होंगे फिर सारी चीजें ठीक है तो इन सभी को यदि हम एक कॉमन ग्रुप में प्लेस करें तो इन सभी का एक कॉमन ग्रुप जो है वो क्या हो जाएगा जल्दी से बता दो बेटा मेरे सारे के सारे यहां पे प्लेस हो जाएंगे जो क्या कहलाएगा किंगडम एनिमेलिया तो ये सारे के सारे हमारे किंगडम एनिमल में प्लेस हो गए समझ में आ गया तो इस तरह से हमारा ये वाला जो पार्ट है आप देखो छोटा कर लेते हैं इसको हम लोग ठीक ना छोटे व्यू में हम लोग समझ लो उसको तो अब देखिए क्या क्या हो गया यहां पे यदि हम कंसेप्ट को देख रहे हैं तो इस कंसेप्ट में पहली चीज तो हम जानते हैं अब थोड़ा सा एक काम करते हैं इसमें हम लोग किधर गया हाँ देखो अभी हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे स्पीसीज हमने देखे थे स्पीसीज एनिमल के स्पीसीज जो हमने यहां पर देखे उसमें लॉय टाइगर और लेपर्ड देखे जिसमें स्पीसीज लियो टाइगरीज और पार्डा सारा एज इट इज हम लोगों ने यहाँ पर जो देखे स्पीसीज इस इसमें पोटेटो मकोई और ब्रिंजल आ रहा था जिसमें ट्यूबेरोसम नाइग्रम और मेलोनजिया ये हम लोगों ने देखे थे समझ गए एज इट इज यहां पर हम लोगों ने जीनस देखे थे जीनस में पैंथेरा और फेलिस मींस लॉयन टाइगर और लेपर्ड तीनों का कॉमन जो जीनस है वो पैंथेरा होता है लेकिन इसी के साथ साथ एक और जीनस है जो फेलिस होता है तो ये हमारा जो भी टाइगर है लेपर्ड इसका जीनस हो गया लेकिन जितने भी कैट के हमने टाइप्स हम आगे हमें तो सिलेबस में नहीं है पर हायर एजुकेशन में आप जाओगे तो कैट के भी आप टाइप्स पढ़ोगे तो उसमें फेलिस आता है पैंथेरा और फेलिस दोनों को मिला के एक फैमिली बनती है जिसे हम फैलेडी कहते हैं लेकिन फैलेडी अकेले एक फैमिली नहीं है डॉग की भी एक फैमिली होती है बट डॉग और कैट दोनों के मिला के आप कॉर्निवोरा इसका ये ऑर्डर हो जाएगा लेकिन अकेला कॉर्निवोरा नहीं, नहीं बेटा प्राइमेटा भी होता है इसमें डॉग कैट ये सारे आ जाएंगे बेटा बट मंकी मैन ये प्राइमेटा में आएगा फिर इसके बाद ये दोनों मिला के बेटा एक कॉमन क्लास से बिलोंग करते हैं जो कि मेमोलिया है बट मेमोलिया के अलावा एप्स रेपटाइल्स ये भी यहाँ पे क्लासेस होती है और फाइनली ये सब मिला के हम लोग जो है ये आते हैं कॉर्डेटा में बट कॉर्डेटेट ऐसे बहुत सारे फ़ाइलम भी होते हैं और फाइनली लास्ट में आएगा क्या चीज एक किंगडम थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं हम लोग ठीक है एकदम से बहुत ऊपर हो गया है थोड़ा नीचे कर लेंगे नीचे के साथ ही साथ हम लोग इसको भी पकड़ के हम ऊपर खींच लेते हैं तो ये हमारे एक दायरे में आ जाएगा ओके और इसी के साथ साथ हम लोग सभी के लिए क्या करते हैं एक बॉक्स बना लेते हैं देखिए अभी यहां पे सबसे पहले तो हम लोग जो पार्ट देख रहे थे ये वाला ये हमारा जो हो गया ये क्या हो गया बेटा ये हो गया हमारा एक तो थोड़ा छोटा लेना पड़ेगा वाला पोर्शन हो गया स्पीसीज के बाद फिर नेक्स्ट हमारा जो रहेगा ये आ जाएगा हमारा जीनस जीनस के बाद फिर नेक्स्ट हम लोग जो देखेंगे वो क्या आ जाएगा बेटा फैमिली फैमिली के बाद फिर हम लोग नेक्स्ट और आएंगे तो नेक्स्ट फैमिली के बाद फिर क्या हो जाएगा फैमिली के बाद नेक्स्ट हम लोग आएंगे कहां पे ऑर्डर पर तो ये जो हो जाएगा हमारा ऑर्डर फाइनली उसके बाद हम लोग और आगे आते हैं तो ये हो जाएगी हमारी क्लास फिर उसके बाद हम और ऊपर आते हैं तो ये आ जाएगा हमारा फाइलम और फाइलम के बाद फिर लास्ट में आता है हमारा क्या चाहिए बेटा किंगडम तो ये हो गया हमारा किंगडम तो उम्मीद करता हूं एक एक पोर्शन ये वाला आपको समझ में आ गया होगा ठीक है स्पीसीज उसके बाद जीनस फैमिली हाँ ह्यूमन का बेटा देखिए हम लोग इवोल्यूशन ऑफ मैन जब पढ़ेंगे तब हम कंप्लीट ह्यूमन इवोल्यूशन पढ़ेंगे वहां पे एंथ्रोपोलॉजी करके हम कहते हैं ह्यूमन का स्टडी ठीक तो उसमें हम कंप्लीट डिटेल वाला पार्ट पढ़ेंगे और ह्यूमन का हाँ थोड़ी देर पहले ह्यूमन का हम लोग देखे थे बेटा होमोसेपियंस वाला होमोसेपियंस वाला पार्ट पढ़े थे हम लोगों ने देखो स्लाइड हमारे पास अवेलेबल है वो भी देख लेते एक बार अब ठीक है ह्यूमंस का हम लोगों ने इसके पहले यहाँ पे देखे थे ये देखो ये हमारे ह्यूमंस का आ गया तो ह्यूमंस में देखिए क्या हो गया स्पीसीज जो है ये क्या आती है सेपियंस ह्यूमन का भी देख लेते हैं बेटा जब हमने सारा वो टाइगर का हमने देख लिया तो ह्यूमन भी हम देख लेते हैं ठीक है और भी हम देखेंगे बाकी भी तो यहां पे देखिए क्या चीज जो स्पीसीज है वो सेपियंस हो जाएगी जीनस जो होगा होमो हो जाएगा फैमिली कौन सी होती है होमोनिडी ऑर्डर क्या आता है प्राइमेटा प्राइमेटा थोड़ी देर पहले बताया था मैंने प्राइमेट भी होता है और नॉन प्राइमेट भी होता है तो अब देखो यही सारी चीजें हमारी जो कनेक्ट करते हैं हम लोग ठीक है तो देखो यहां पे एम, एनिमेलिया कॉर्डेटा और प्राइमेटा ऑर्डर तक के आपको सिमिलर मिलेंगे कहां पर यहां पर यहां देखो इसी में हम लोग थोड़ा सा एक काम करते हैं एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और उसी पार्ट को हम लोग साइड में ह्यूमन काम समझने की कोशिश करते हैं तो इसको यदि हम ऐसे ड्रॉ कर लिए तो कॉमन आपको क्या क्या आ रहा है बेटा यदि हम ह्यूमन का हम देख रहे हैं तो ह्यूमन में देखो एनिमेलिया किंगडम एनिमल ही रहेगा किंगडम एनिमल के बाद फिर फाइनली यहां पे हम लोग कॉर्डेट में ही आते हैं कॉर्डेटा भी सेम रहेगा उसके बाद हम लोग किसमें आते बेटा मेमल्स है हम लोग तो जो क्लास जो रहेगी वो मेमलिया रहेगी फाइनली हम लोग अभी देखो इधर हम कॉर्निंग देख रहे थे बट हम लोग इधर जो आ जाएंगे प्राइमेटा में आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा प्राइमेटा फिर हमें जो चेंजेस आएगा सिर्फ तीन इसमें आएंगा. एक दो और तीन तो देखो होमो जो होता है ये क्या होता है जीनस होता है और होमोनिडी जो होगा वो क्या होगा फैमिली जाएगा और सेपियंस जो है ये क्या हो जाएगा हमारा ये हमारे स्पेसेज हो जाएंगे समझ गए देखो यहां पे किधर गया हमारा स्लाइड ये है सेपियंस होमो होमोनिडी तो इस तरह से आपका ये वाला जो कॉर्शन है ये कंप्लीट हुआ ठीक है सेपियंस अच्छे से लिखा है ये हो गया क्लियर हो गया बेटा होमिनिडी होमिडी नहीं लिख पाया मैं सॉरी यहां गलत हो गया यहाँ पे स्पेलिंग होमिनिडी आता है ऐसा आएगा ओके तो ये हो गया क्या चीज हमारा ह्यूमन का ठीक समझ में आ गया हेलो क्लियर हुआ बेटा पार्ट एक एक पार्ट एक एक पोर्शन, छोटा करना स्क्रीन शॉट लेना है आपको मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा ना चलो ठीक है स्क्रीन शॉट लेना है ले लो ये लो अभी इस अभी आ जाएगा स्क्रीन शॉट इतने पर सारा दिख रहा है ना हाँ अभी स्क्रीन शॉट ले सकते हो आप लोग हो गया चलो इधर का भी किसी को स्क्रीनशॉट लेना था बेटा इधर का भी ले लो ओके हो गया क्या चलो अब हम लोग हमारे स्लाइड पे आएंगे और स्लाइड की हेल्प से हम लोग आगे के पोर्शन को समझेंगे स्लाइड जो है जस्ट वेट कौन सा स्लाइड पे जाना है स्लाइड बहुत सारी बेटा हमारे पास सब रेडीमेड हम लोग स्टार्ट करेंगे हाँ पहली चीज तो अभी यही वाला पार्ट समझ लो स्पीसीज हम देख रहे थे बेटा अभी तो स्पीसीज में हम लोगों ने क्या देखे कि यहां कैटेगरी होता है अब थोड़ा सा डेफिनेशन समझेंगे अकॉर्डिंग टू एनसीआरटी ओके तो यहां पे क्या चीज स्पीसीज मतलब क्लोजरी रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स जो कैपेबल होते इंटरब्रीडिंग में टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ ओके इसके बाद नेक्स्ट उसी के जस्ट बाद क्या आता है बेटा फैमिली फैमिली नहीं आएगा पहले क्या आएगा पहले जेनेरा आएगा ना हाँ तो अब देखिए इसके बाद क्या आता है जीनस तो जीनस जो होता है टेक्जोनोमिक कैटेगरी हम लोग पढ़ रहे हैं और जीनस मींस क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज जब आपस में मर्ज होती है जब एग्रीगेट होती है तो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज का जो ग्रुप रहेगा वो क्या कहलाएगा जीनस कहलाएगा देखो एग्जाम्पल देख लो जीनस में जैसे पोटेटो टोमेटो और ब्रिंजल ये क्लोजली रिलेटेड फैमिली है इन क्लोजली रिलेटेड फैमिली का एक जीनस हम बनाएंगे जिसे हम क्या कहते हैं सोलेनम कहते हैं जैसे यहां पे हम लोगों ने देखे थे ठीक है टाइगर का हमने थ्री स्पेसिज देखे थे ठीक जिसका हमने कॉमन जीनस पैंथेरा बनाए थे तो सबसे पहले देखो हम लोग ये वाला हम समझेंगे कौन सा पोटेटो टोमेटो और ब्रिंजल पोटेटो को ट्यूबेरोसम कहते हैं टोमेटो को क्या कहते हैं बेटा लाइकोपर्सिकम और ब्रिंजल को मेलोनजीना जिसका कॉमन जीनस क्या हो गया सोलेनाम हो गया समझ गए इसी तरह से हम लोग जीनस पैंथेरा को समझेंगे पैंथेरा में देखो लियो पार्डस और टाइग्रिस लॉय लेपर्ड और टाइगर तीनों का कॉमन जेनेरिक नेम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा पैंथेरा हो जाएगा लेकिन बेटा कैट भी तो होती है जंगली बिल्ली और देसी बिल्ली जिसको कॉमन जीनस क्या कहेंगे फेलिस तो एक हाउस कैट है। तो को हैं और जंगली बिल्ली को क्या कहते हैं हैं समझे तो ये हो गया क्या चीज बेटा जीनस क्लियर हो गया अभी आपको ये स्लाइड में और पिक्चर्स की हेल्प से पूरा परफेक्टली आपका परफेक्ट हो जाएगा ओके okay? क्लियर हुआ फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग फैमिली पर तो फैमिली मीन जब बहुत सारे जीनस ये सारे के सारे जीनस और ये सारे के सारे जीनस जब आपस में मर्ज होंगे तो उसका एक कॉमन क्या बनेगा फैमिली बनेगा सोलेनम का फैमिली क्या था सोलेनेसी और पार्डस का फैमिली क्या था पैंथेरा का फैमिली क्या हुआ था हेलो याद आ रहा है भूल गए रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से पैंथेरा का Okay. तो देखो, फैमिली, ओके, और, हाँ और दतुरा तीनों को मिला के कॉमन इसका एक फैमिली हम बनाएंगे तो क्या हो जाता है सोलेनेसी और इसी के साथ साथ एक और फैमिली आती है जिसे कनवोल वोलेसी फैमिली होती है इसको हम पढ़ेंगे एज इट इज हम लोगों ने यहां पर जो स्टडी किए थे तो यहां पे हम लोगों ने क्या देखे थे बेटा यहां पे हम लोगों ने देखे थे जस्ट वेट किधर गया अपना पेन कौन सा ये फैमिली फैमिली में फैलेडी और कैनेडी बट पैंथेरा और फेलिस का दोनों का कॉमन फैमिली कौन सा हो गया फैलेडी हो गया ये पढ़ें, फिर हम ऑर्डर पे आएंगे ओके तो अब देखिए यहां पे जो फैमिली सोलिनि ये तो समझ में आ गया फैमिली फेलेडी जिसमें पैंथेरा भी आ रहा है और फैलिस भी आ रहा है ओके क्लियर हो गया फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग नेक्स्ट इसमें हम लोग जब असेंबल करेंगे क्या बेटा रिलेटेड फैमिली का जब हम ग्रुप बनाएंगे तो देखो ये भी आ गया ये भी आ गया धतूरा भी आ गया आपका दतूरा के साथ आपका डिफरेंट टाइप के यहाँ पे जो फ्लावरिंग प्लांट कह लो ब्रिंजल कह लो ये सारे तो सारे को हमने असेंबल कर लिए इसमें हमने कैट को भी असेंबल कर लिए और टाइगर को भी असेंबल कर लिए साथ ही साथ डॉग को भी असेंबल करेंगे बेटा तो उससे जब बनेगा तो क्या फॉर्म होगा वो एक ऑर्डर फॉर्म होता है तो देखो फैमिली जो है एक तो कन्वोलवुलेसी फैमिली आता है और सोलेनेसी फैमिली आता है कन्वोलवुलेसी फैमिली में जैसे कि क्या कह सकते हैं आप यहां पे अब मुझे याद नहीं आ रहा है एग्जांपल ठीक है तो ये जो है ये सारे का कॉमन ऑर्डर जो है वो क्या कह कहलाएंगा पॉलीमोनियल्स और इसी तरह से यहां पे कॉर्नी ऑर्डर हो जाएगा जिसमें हमारा फैमिली फेलेडी भी आता है और फैमिली कैनेडी भी आता है हेलो रिस्पॉन्स करो बेटा जल्दी से क्लियर हुआ क्या जल्दी से रिस्पॉन्स करेंगे यहां तक के क्लियर है सारे पार्ट चलो आगे बढ़े नेक्स्ट पार्ट देखें ओके ग्रेट नेक्स्ट जो है अब मुझे बताओ ऑर्डर की बात क्या आएगा पहले तो ये बताओ सिर्फ दो कुछ लोगों का ही मैसेज मिला है okay. समझे बेटा फैमिली वाइज स्लाइड कैसे दिखेंगे स्लाइड मैंने जैसे रेडी किया वैसे दिखाऊंगा साक्षी मैंने सारा पार्ट यहां पे बोर्ड पे आपको ये प्रेजेंट कर दिया जितना हमारे एनसीआरटी में उतना ही पढ़ना है ना हमको कुछ प्रॉब्लम आ रहा है बताओ ये देखो हम लोगों ने यहाँ पे सारव अब आप बोलोगे कि नहीं बहुत सारी फैमिली आप बता दो तो हमारे सिलेबस में नहीं है हमें जितना एग्जाम में पूछा जाएगा हम वही देख रहे क्लियर हुआ बेटा साक्षी या कुछ प्रॉब्लम है तो पूछो मैं अपना यहाँ पे आपको सॉल्व करवा के देता हूं यहाँ पे हम लोगों ने देखो अभी सबसे पहले क्या किया बेटा सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे आ, एक स्टेप बाय स्टेप स्पेसिल जीनस फैमिली ऑर्डर क्लास डिवीजन हमने इस वे में देखे इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं कंपेरिजन कर रहे हैं तो कंपेरिजन में हम फैमिली को ही ले रहे हैं तो फैमिली को हम एनिमल वाली फैमिली भी देख रहे हैं और प्लांट वाली भी तो दोनों को हम कंपेयर करते हुए समझ रहे हैं तो वो इजी हो जाएगा क्लियर है ना हाँ चलो ठीक है ग्रेट आगे बढ़ते हैं बहुत डिटेल में नहीं जाना बेटा हमें जितना एग्जाम में पूछा जाएगा जितना हमारे लिए सफिशियंट है उतना ही हम देखेंगे ओके ओके okay. फिर हम लोग नेक्स्ट आते हैं जब सारे मिलके ऑर्डर फॉर्म हो गया असेंबल हुआ जब रिलेटेड फैमिली का तो उससे ऑर्डर बना और ऑर्डर के बाद डिवीजन या फिर फाइलम आता है तो ऑर्डर जब सॉरी असे, ऑर्डर असेंबल होगा तो पहले तो क्लास बनेगी ना कफ बताया था मैंने सीओ एफ फैमिली ऑर्डर फिर क्लास फिर उसके बाद फाइलम या फिर डिविजन आएगा तो क्लास देखो बेटा डायकॉट बट इसी के साथ साथ मोनोकॉट भी होता है तो यहां पर डायकॉट में क्या है देखो पॉलीमेनियपेंडे यहाँ पे देखो बेटा पोलिमेनियमारा जिसमें तो तो समझे इसी तरह से हम लोगों ने यहाँ पे ये यह वाला पार्ट देखे थे तो इसमें हमने क्या देखे बेटा एक ऑर्डर कॉर्नी वोरा और प्राइमेटा ये दोनों को मिला के क्लास बनी जो कि क्या हो गया मेमोलिया हो गया समझ में आ रहा है क्लियर हो रहा है सारा पार्ट इस तरह से यहां पे हम लोग ये पार्ट देख रहे हैं तो ये हो गया हमारा ऑर्डर बेटा प्राइमेटा और ऑर्डर दोनों का मिलकर एक कॉमन क्लास बना जो कि क्या हो गया बेटा क्लास मेमेलिया देखो इसमें क्या क्या आ रहे हैं मंकी भी आ रहा है ह्यूमन भी आ रहा है टाइगर भी आ रहा है लेपर्ड भी आ रहा है डॉग भी आ रहा है कैट भी आ रहा है और ये सारे के सारे किस में आ रहे बेटा एक सिंगल हमारी क्लास मेमेलिया में आ रही है समझ गए लेकिन जब हम थोड़े और नीचे जाएंगे तो यहां से ह्यूमन अलग हो जाएगा फिर और नीचे जाएंगे तो डॉग अलग हो जाएगा और जाएंगे तो कैट अलग हो जाएंगी फिर हम एक एक सिंगल स्टडी करेंगे तो ऐसा होता बेटा तो हमने क्या की सभी को ग्रुप कर दिए और सब ग्रुपिंग कर दिए अलग अलग कैटेगरी वाइज तो स्टडी जो हो गया वो क्या हो गया बहुत आसान हो गया यदि इस तरह से ग्रुपिंग नहीं होती तो स्टडी हमारे लिए आसान नहीं होती स्टडी करना बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता तो फाइनली हम डिवीजन पे पहुंचते बेटा क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले डायकॉर्ड देखे थे तो डायकॉर्ड के साथ ही साथ मोनोकॉर्ड भी तो होता है और डायकोड और मोनोकॉर्ड जो है दोनों भी एंजियोस्पर्म डिवीजन में आता है और फाइलम में हम देखे बेटा तो क्लास हमने एम्फीबिया देखे क्लास रेप्टाइल देखे क्लास एवस देखे क्लास मैमल्स देखे तो ये सारे के सारे एक सिंगल फाइलम जिसमें कॉर्डेटा में आते हैं तो देखो यहाँ पे आपको बर्ड्स भी दिख रहा है यहाँ पे आपको स्नेक्स भी दिख रहा है ठीक है ये ऐड हो गए इसमें आए कि नहीं रेप्टाइल्स भी इसमें आ गए एव्स भी इसमें आ गया सारे मिलके एक फाइलम कोर्डेटा सारे मिलके एक डिवीजन एंजियोस्पर्म आ गया जिसमें जिम्नोस्पर्म भी अलग डिवीजन होता है तो वो सब मिला के हमारा एक किंगडम हो जाएगा तो एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म ठीक है और इसी तरह से फाइलम कोर्डेटा भी आता है और फाइलम ऑर्थपोडा भी आता है होता है कि नहीं ये देखो ऑर्थोपोडा आप देख रहे हो हेमी हेमिकॉर्डेटा भी आता है बहुत सारे वहां पे आएंगे सब मिलके एक किंगडम हो गया एनिमल या सब मिलकर किंगडम हो गया प्लांटिंग

स्पेज हमने टाइगरेज देखे तो ये टाइगर हो गया टाइगरेज में इसका जीनस पैंथेरा आएगा तो देखो दो अलग अलग टाइप के टाइगर हो गए मतलब उससे रिलेटेड लेपर्ड आ जाएगा फैमिली पे आएंगे तो इसमें कैट आ गई बट इसमें कैट नहीं है फिर हम कॉर्नि पे आएंगे तो उसमें डॉग भी आ गया कैट भी आ गई टाइगर भी आ गया लेपर्ड भी आ गया थोड़ा ऊपर आते हैं मैमल्स में तो उसमें ह्यूमंस को भी ऐड कर दिया बेटा मंकी को भी ऐड कर दिया बट इधर ह्यूमन मैन नहीं था थोड़ा ऊपर और हम कॉडेटा पे आएंगे तो उसमें एब्स भी आ गया और एपटे भी आ जाएगा थोड़ा और ऊपर आएंगे तो सारे एनिमल्स आएंगे उसमें इंसेक्ट भी आ जाएंगे अभी तक के हम इंसेक्ट को नहीं देख रहे थे बट इसमें इंसेक्ट भी आ जाएंगे तो इस तरह से बेटा ये कैटेगरीज है एग्जाम्पल वाइज हम लोगों ने सारे एक ऑर्डर में हम लोगों ने स्टडी कर लिया समझ में आया तो ये होता है बेटा सीक्वेंस और ये सीक्वेंस से हम लोगों ने ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप किए सब ग्रुप किए और उसके इसमें अलग अलग इसमें हमने क्लासिफाई किए तब जाके हमको ये सारी चीजें जो है समझ में आती है ओके हेलो रिस्पॉन्स करो फाइनली लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को ये वाले एग्जाम्पल्स याद करने के लिए कहा था ऑर्गेनिजम्स देयर टेक्नोमिक कैटेगरी जिसमें से कुछ तो आप लोगों को याद हो गए होंगे और कुछ याद नहीं हुए होंगे अभी हम लोग देख लेते हैं देखो कॉमन नेम सभी के आपको याद रहेंगे कॉमन नेम मेन का ठीक है जिससे होमोसेपियंस तो मेन कॉमन नेम हो जाएगा होमो ठीक है ऐसे हाउस फ्लाई का आपको मस्का डोमेस्टिका बोलते हैं तो डोमेस्टिका जो हो जाएगा और सेपियंस जो हो गया ये क्या हो गया बेटा कॉमन नेम हो गए कलर कौन सा हम लोग व्हाइट कलर ले लेते हैं यहाँ पे आपको डोमेस्टिका जो है ये कॉमन नेम हो गया सेपियंस कॉमन नेम हो गया इंडिका जो है मैंगो का कॉमन नेम हो गया और एसटीवम जो है ये वीट का कॉमन नेम हो गया ठीक है जीनस मेन का होमो होता है मस्का ठीक है मैंगी फेरा ट्रेटिकम ये याद करना है बेटा आप लोगों को समझे याद हो जाना चाहिए कल हमारा ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे हम लोग बहुत इजी है बहुत सिंपल है बट कल मैं आप लोगों से ओरल टेस्ट लेने वाला हूँ कल बहुत टाइम मिलेगा हम लोगों को क्योंकि हमारा एक छोटा सा पार्ट रह गया है जिसमें हर्बेरियम और की वाला पोर्सन है तो कल बहुत टाइम मिलेगा जिसमें मैं आप लोगों का जो भी है असाइनमेंट परफॉर्मेंस भी मैं क्लास में चेक करूंगा मैं क्लास में शेयर करूंगा कि देखो ये पर्सन ने मुझे यहाँ पे सारी चीजें जो है अब तक का जितना भी अपडेट और असाइनमेंट है ना एक एक के नेम के साथ मैं कल आपको मैं शेयर करूंगा टेलीग्राम का मैसेज कि कितने स्टूडेंट ने असाइनमेंट सबमिट किए हैं और कितने ने नहीं किए हैं और जिन लोगों ने सबमिट किए हैं मीन्स वो प्रोग्रेस में है और जिन लोगों ने नहीं किए मीन्स उनको समझ रहा है या नहीं समझ रहा मैं नहीं जानता फिर वो लोग समझ लें और अपने पेरेंट्स के साथ बैठ जाए और फिर अपने जो है ऑफिस के साथ बैठ जाए फिर यही होने वाला है फिर आगे सारी रिपोर्टिंग जो है मैं फॉरवर्ड करने वाला हूं जो रह गई है समझे तो मुझे सारे लोगों का अपडेट चाहिए आज रात के दस मैसेजेस मेरे तक पहुंच जाना चाहिए ठीक है चलो तो आगे बढ़ते हैं और ये वाला जो पार्ट है मैं आपको वैसे भी ट्रिक बता दे रहा हूं कैसे याद करोगे जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पे हम लोग अब ये तो आपको याद हो गया होगा नहीं भी याद हुआ होगा तो इसमें कौन सा जीनस है कौन सा फैमिली है ऑर्डर है क्लास है और फाइल क्योंकि इसके बाद देखो आपको ये मालूम है यहां पे किंगडम एनिमल किंगडम एनिमल किंगडम प्लांट और किंगडम प्लांट आता है ओके तो यहां पे यदि हम लोग देखे तो एक काम करते इसको कैसे समझाऊ मैं बोर्ड पे समझा देता हूं अब इसका काम हो गया इसमें किसी को कुछ पूछना है ओके okay. खुशी का क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है पूरा स्टार्टिंग से भेजना है कि पहले जैसे देखो बेटा पहले जहां तक भेजा वो चल जाएगा उसके बाद का मुझे असाइनमेंट्स चाहिए ठीक है और असाइनमेंट्स देखो मैंने अभी आप लोगों को लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को एक्सक्रिशन के भी असाइनमेंट्स दिए थे कुछ लोगों ने उसका स्क्रीनशॉट बना के भेजे मुझे कुछ लोग नहीं भेजे मेरे पास रिकॉर्ड है सारे लोगों का ठीक है वो भी मैं कल शेयर करूंगा कितने लोगों का है ठीक है मैंने जनरली अपने फोन में ही डाउनलोड कर लिया हूं तो यहां पे मैं आपको स्क्रीन शेयर करके बताऊंगा ठीक मैंने वो सारे पॉइंट्स रिकॉर्ड करके रखे हैं ठीक तो वो, और मैं टेलीग्राम पे इसलिए कहता हूं क्योंकि देखो मेरा अभी पीसी फॉर्मेट हो गया पीसी फॉर्मेट होने के बाद जितना डेटा मैंने पीसी में डाउनलोड किया था वो अभी नहीं है लेकिन टेलीग्राम से मैं आज भी डाउनलोड कर सकता हूं सारी चीजें तो कल मैं आपको बता दूंगा कि बेटा आपका देखो ये वाला पोर्सन मैंने पहले डाउनलोड किया था बट अभी पीसी मैंने फॉर्मेट किया हूँ सर्विसिंग कराया हूँ पीसी का लेकिन तो भी मेरे पास आज भी टेलीग्राम पे क्लाउड में सारा डेटा है जिनने व्हाट्सअप पे भेजा वो एप्सेंट हो गया फिर मैं बार बार आपको कहता हूँ टेलीग्राम पे ही भेजो ठीक है क्योंकि व्हाट्सएप मैंने फोन भी फॉर्मेट कर दिया क्योंकि करना ही पड़ता ना बेटा आपके जैसे कई स्टूडेंट कई बार कहने के बाद भी व्हाट्सअप पे डेटा शेयर करते हैं अब डेटा शेयर करेंगे तो हैंग हो जाता है फोन बहुत सारा आता है अब जब शेयर करेंगे मैंने फोन फॉर्मेट कर दिया तो वो डेटा आपकी प्रेजेंस व्हाट्सएप पे नहीं मिलेगी ठीक है हाँ लेकिन मैंने बैकअप लिया हूं ठीक है यदि आप कहोगे कि नहीं सर हमने तो व्हाट्सअप पे भेजे थे अब आपकी प्रॉब्लम तो है किसने क्या भेजा वो मेरे पास उसकी रिपोर्ट है आज भी ठीक है तो ये नहीं कहना कि नहीं सर हमने व्हाट्सएप पे भेजे थे हमारा प्रॉब्लम नहीं हमने तो भेज दिया आप देखते बैठो ऐसा नहीं है मेरे पास रिकॉर्ड जो है वो लिस्ट भी बनाता हूं मैं और लिस्टिंग में भी मैं पॉइंट नोट करके रखता हूँ कि किसने कब क्या परफॉर्मेंस दिया है ठीक है उसके बाद लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा बेटा आप कितना पढ़ रहे हो और आपका कितना प्रोग्रेस हुआ है और फिर मैं आपके पेरेंट्स से बात करूंगा कि देखो आपके जो है ये आपका बेटा है है आपकी बेटी है, इसने इतना परफॉर्मेंस दिया और इसके फ्रेंड्स ने इतना दिया है कंपेरिजन भी कराऊंगा फिर आप देख लो इसका कितना प्रोग्रेस हुआ है ठीक तो मुझे कोई भी एक्सक्यूजेस नहीं चाहिए नहीं समझ में आता है कोई भी चीज मैं बैठा हूं लेकिन पहले आपको मुझसे पूछना पड़ेगा कि सर ये आपने जो पढ़ाए हैं ये मुझे नहीं समझा है समझ रहे हो जब तक कि आप मेरे पास आओगे नहीं कि सर ये पार्ट नहीं समझा है तब तक कि मैं आपको कुछ भी नहीं समझा सकता क्योंकि क्लास सभी के लिए है किसी एक को समझा तो दूसरे को समझना चाहिए दूसरे को नहीं समझा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सर वो पोर्सन मुझे नहीं समझ में आ रहा है आप मुझे समझाओ वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी फिर कि कैसे समझाना है वो मैं डिसाइड करूंगा लेकिन आप बेटा मुझसे पूछोगे ही नहीं मुझे मैसेज नहीं करोगे मुझे कॉल नहीं करोगे मुझे आप यहाँ पे लाइव में आप नहीं पूछोगे कि समझा या नहीं समझा क्योंकि आपने देखा ना हर क्लास में मैं हर एक स्टेप के बाद आपसे पूछता हूँ बेटा समझा या नहीं समझा आप लोगों के रिस्पॉन्स मिलते हैं यस और नो के जहां पे नो मिलता है वहां पे मैं रिवाइज कराता हूँ आप लोग बोलते हैं कि सर वो रिवाइज करा के तो मैं रिवाइज कराता हूँ ठीक क्योंकि मैं कोई भगवान नहीं हूं मैं कोई गॉड नहीं हूं जो मैं आपके अंतर आत्मा अंतर मन को झाक के मैं पहचान कि इस पर्सन को नहीं समझा आप तो यहाँ दिख नहीं रहे हो बेटा कैमरा आपका ऑफ है आप सही में पढ़ रहे हो या फिर क्लास चालू है मोबाइल फोन और आप बढ़िया ओढ़ के सो गए हो ये मैं नहीं जानता ना क्लास यदि ऑफलाइन रहती तो मैं आपको पकड़ लेता कि बेटा आपको समझाए या नहीं समझाए लेकिन उसके बाद भी कई बार आप जब तक ये खुद से नहीं पूछने आते तब तक के मैं ये नहीं कह सकता कि आपको सही में समझाए या नहीं तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की है कि आप मुझसे आके पूछो आपने मुझसे पूछे और उसके बाद आपको नहीं समझा और आप बोलोगे कि नहीं समझा तो वो कंसीडर किया जाएगा कि हाँ मेरी कोई गलती थी ठीक है चलो तो उम्मीद करता हूं आगे से किसी के भी कुछ भी डाउट रहेंगे फ्रेंकली पूछो यार आप आओ पूछो ट्राई तो करके देखो ठीक है लेकिन वही चीज है बेटा जैसे मेरा अभी क्लास चल रहा और आप उस टाइम पे कॉल करोगे तो मैं कॉल रिसीव नहीं कर पाऊंगा ना आप भी समझते हो मुझसे प्रॉपर टाइम लो उसके बाद फिर मुझको कॉल करो मुझसे डाउट्स पूछो सारी चीजें सॉल्व होंगी समझ रहे हो तो अभी मैं आपको आज एक टास्क दे रहा हूं ये आपको खुद से याद करके आना है कल मैं इसका ट्रिक बताऊंगा और ट्रिक के हेल्प से ये सारी चीजें पांच मिनट में आप लोगों को याद करवा दूंगा मैं ठीक है लेकिन उसके पहले ट्रिक तो बेटा एक सप्लीमेंट्री मटेरियल है ट्रिक तो ट्रिक की जगह पर ही रहती है बट उससे ज्यादा हमको खुद से सारी चीजें याद करना है फिर कल हम लोग यहाँ पे टेक्जोनोमिकल एड क्या होता है मोनोग्राफ क्या होता है मेनुअल क्या होता है फ्लोरा क्या होता है ये सारे पोर्शन का कल के लेक्चर में हम लोग स्टडी करने वाले कल क्लास है ना हम लोगों का कल क्या है ट्यूजडे दो दिन मिल गए आपको कल तो क्लास ही नहीं है हमारा वेटनर्सडे को हम ये, ये वाला पोर्सन देखेंगे बेटा और ये ये सिलेबस का वाला चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा फिर नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन तो वो वाला भी पार्ट आप लोग पहले से एनसीआरटी से पढ़ के आ जाएंगे ठीक है बेटा ग्रेट वेरी गुड तो फाइनली एंड करते हैं फिर आज का क्लास उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी सारा पोर्शन क्लियर हो गया होगा सारे लेक्चर बेटा हमारे यूट्यूब पे अपलोड हो चुके हैं तो आप यूट्यूब पे जाइए और रिवाइज कीजिए आज का लेक्चर में क्लाउड रिकॉर्डिंग जो है विद द हेल्प ऑफ पासवर्ड आप लोगों को व्हाट्सअप पे सेंड कर दूंगा ठीक है वहां से आप लोग देख लीजिए कभी कोई रिकॉर्डिंग यदि प्ले नहीं होता है जैसे कल प्रहलाद ने मुझे जो है कंफर्म किया था कि सर रिकॉर्डिंग प्ले नहीं हो रहा तो उसे मैंने दूसरा लिंक शेयर कर दिया कभी कभी क्या होता है कुछ टेक्निकल आ जाती है बेटा तो कोई लिंक शेयर किया तो वो क्या है एग्जिस्ट नहीं बताता तो इमिडिएटली क्या है जनरेट होती है न्यू लिंक और वो न्यू लिंक में रिकॉर्डिंग आपको पोस्ट कर देता हूँ ठीक है कभी कभी क्लास ज्वाइन करने में भी हो सकता कुछ है कुछ टेक्निकल इश्यू आए तो वो मेरे हाथ से नहीं है ना बेटा वो तो टेक्निकल प्रॉब्लम है तो टेक्निकल प्रॉब्लम तो का सोल्यूशन यही है कि आप मुझसे कॉन्टेक्ट करें या फिर हमारी टेक्निकल टीम से कॉन्टेक्ट करें सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा ठीक है तो सारे लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड कर दिए हैं हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसमें जो भी अपडेट्स हैं आपको मिल रहे हैं टाइनी डॉट सी सी करके जो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा वहां पे भी मैंने सारा डेटा अपलोड कर चुका हूँ वहां से भी आप सिंगल प्ले लिस्ट पे सारा कुछ जा करके देख सकते हो ये जो भी स्टूडेंट न्यू है जिसे नहीं मालूम ये जो लोग भूल गए होंगे उन लोगों को मैंने बता दिया हमारा हमारा यूट्यूबीग्राम और टाइनी वाला जो है, उस एक सिंगल प्ले लिस्ट पे अब तक का सारा परफॉर्मेंस डेटा अवेलेबल है ठीक तो फाइनली एंड करते हैं आज का क्लास थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग बब बाय टेक केयर हैव अ नाइस डे मिलते हैं बेटा फिर लेक्ष, नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में थैंक यू ऑल बाय बाय आर्यन बेटा व्हाट्सएप का नंबर नहीं है आपके पास व्हाट्सएप नंबर मेरा